हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमने पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। पार्ट वन में हमने 1 to 30 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे, 1 to 30। उसके बाद में पार्ट टू में हमने क्वेश्चन नंबर 30 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम 61 से पूरा 100 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो वो दोनों पार्ट्स देख लेना। पार्ट वन और पार्ट टू दोनों ही फॉरेंसिक साइंस का ही पेपर था। जो थर्ड जो पार्ट है वो भी फॉरेंसिक का ही पेपर है। क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, पंप एक्शन ऑफ अ फायर आर्म ऑल्सो कॉल्ड, और ऑप्शंस हैं लिवर एक्शन, बोल्ट एक्शन, ट्रोम्बोन एक्शन या एयर एक्शन। तो देखो ये भी बैलिस्टिक पर है, बैलिस्टिक के कई सारे क्वेश्चंस हैं, इसके आगे वाला भी बैलिस्टिक पर है, ये भी बैलिस्टिक है, तो बैलिस्टिक से बहुत सारे क्वेश्चन है फायर आर्म्स और बैलिस्टिक में से, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ट्रोम्बोन एक्शन। रिकोशे ऑफ बुलेट मीन्स, मतलब कि यहाँ पर रीबाउंड जो हो रहा है बुलेट का, रीबाउंड ऑफ बुलेट उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट, डिफ्लेक्शन ऑफ बुलेट, अनफायर्ड बुलेट या टेंडम बुलेट। ऑप्शन होगा डिफ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि रीबाउंड हो रही है यहाँ पे बुलेट, रिकोशे मतलब रीबाउंड ऑफ बुलेट, ये ध्यान रखना, तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 63, पोलिंग इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट, पोलिंग जो एक टेक्निक है इसका यूज हम किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ फायर, टाइम ऑफ फायर, पेनिट्रेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हम इसका यूज करते हैं टाइम ऑफ फायर पता करने के लिए, किस टाइम मतलब कितनी टाइम तक फायर हुई है। फिर आ जाओ इमोटल कंटेन्स टीएनटी एंड आरडीएक्स, टीएनटी एंड टेट्राइल, टीएनटी एंड पीईटीएन, टीएनटी एंड अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, इसमें टीएनटी और अमोनियम नाइट्रेट प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 65, 7.62 mm AK-47 असॉल्ट राइफल हैज़ द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पर जो 7.62 AK-47 राइफल है, ठीक है, असॉल्ट राइफल है, उसमें मैगजीन कैपेसिटी कितनी है, 20, 25, 30 या 40। तो जो आपकी 7.6 mm की AK-47 होती है उसमें 30 जो है मैगजीन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 66, द इजेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन फॉलोइंग, इजेक्टर किस में नहीं होता है, कार्बाइन, रिवॉल्वर, सर्विस राइफल या शॉटगन। तो ये आपकी जो शॉटगन होती है इसमें आपका इजेक्टर नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग दिया है, रैम रॉड, चैम्बर मार्क, राइफलिंग मार्क्स, चोकिंग ऑफ बैरल। तो किस आपकी जितनी भी ये फायर आर्म्स दी हैं, किस फायर आर्म में आपको कौन सा एक्शन देखने को मिलता है, तो इसमें जो रैम रॉड होती है, रैम रॉड में मजल लोडर प्रेजेंट होता है, ठीक है, रैम रॉड में मजल लोडर होता है। चैम्बर मार्क जो होता है, चैम्बर मार्क्स आपको फायर्ड कार्ट्रेज में देखने को मिलते हैं। फिर राइफलिंग मार्क्स आपको फायर्ड बुलेट में देखने मिलेंगे, एंड चोकिंग ऑफ बैरल जो है वो शॉर्ट गन में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असर्शन और रीजन। देखो पूरे बैलिस्टिक पे क्वेश्चन है, पूरा का पूरा बैलिस्टिक यहाँ पर डाल रखा है, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके जो है बैलिस्टिक पढ़ लेना, क्योंकि यही सबसे टफ होती है, बैलिस्टिक ही सबसे ज़्यादा टफ होती है, उसी में गलत होते हैं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन है, असर्शन दिया है पेनिट्रेशन पावर ऑफ शॉर्ट गन इज मोर देन सर्विस राइफल, और इसका रीजन दे रहे हैं, राइफल प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी इनसाइड द बैरल एज कंपेयर टू शॉर्ट गन। तो क्या होगा भाई इसका आंसर, ए इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट, और या फिर डी, दोनों ही गलत हैं। तो आंसर है इसका कि भाई रीजन असर्शन जो है वो रॉन्ग है, लेकिन रीजन करेक्ट दिया है, ये हम नहीं मानते असर्शन इज कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन रीजन सही दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ एलजी पैलेट इज, एलजी पैलेट का डायमीटर कितना होता है, वो होता है आपका 0.35, ठीक है, इसमें होगा 0.35। नेक्स्ट, वॉकर टेस्ट ऑफ GSR, जो गन रेसिड्यू, गन शॉट रेसिड्यू है उसमें जो वॉकर टेस्ट किया जाता है वो किसकी प्रेजेंस को ढूंढने के लिए किया जाता है, मेटेलिक रेसिड्यू, नाइट्राइट, नाइट्रेट या फिर सल्फर।
तो हम ये करते हैं नाइट्राइट की प्रेजेंस चेक करने के लिए वॉकर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 71, स्केल्स आर फाउंड ऑन द फॉलोइंग फाइबर। स्केल्स किस फाइबर में मिलते हैं, वूल, कॉटन, लिनन या सिल्क। देखो अगर आपने इसका कभी प्रैक्टिकल परफॉर्म करा है, स्लाइड के अंदर आपने अगर जो है अलग अलग फाइबर्स को माउंट करके और फिर उसको देखा है माइक्रोस्कोप में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो वूल होता है, वूल में आपको यहाँ पे स्केल्स देखने को मिलते हैं। अगर नहीं करा है तो कभी मौका मिले आपको तो ज़रूर फाइबर्स को अलग अलग फाइबर लेना, कॉटन का एक छोटा सा धागा लेना, वूल का लेना, लिनन का लेना, सिल्क का लेना और सबको स्लाइड पर माउंट करके और फिर देखना कि आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 72, फ्रैक्चर्स ड्यू टू हीट आर। हीट की वजह से जो फ्रैक्चर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडियल, स्पायरल, हेकल मार्क्स या वेवी। तो जो हीट की वजह से होते हैं वो ना वेवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एब्रेशंस आर एसोसिएटेड इन सेक्सुअल असॉल्ट ओवर थाइज ऑफ वुमेन। अगर सेक्सुअल असॉल्ट का केस है तो किस तरीके के एब्रेशंस आपको देखने मिलेंगे ओवर थाइज ऑफ वुमेन, ग्रेज, इम्प्रिंट, प्रेशर या स्क्रैच। तो हमेशा स्क्रैच मार्क जो है वो देखने को मिलते हैं। 74, द क्रोमोसोम पैटर्न इन टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, एक तरीके की डिसीज है ये, जेनेटिक डिसीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसमें किस तरीके का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है, पैटर्न किस तरीके का दिखेगा, XXY, XOY, XXX या XYY। तो इसमें आपको मिलता है XO, मतलब X नॉट बोलेंगे, क्योंकि X नॉट यानी कि यहाँ पे एक मिसिंग है, यहाँ कुछ है ही नहीं, ये मिसिंग है, तो X नॉट इसको बोलेंगे। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम मिसिंग रहता है। नेक्स्ट, कस्प ऑफ कैराबेली इज फाउंड ऑन इनसीजर सेंट्रल, केनाइंस, बाइकस्पिड्स और ट्राइकस्पिड्स। कस्प ऑफ कैराबेली, देखो कस्प ऑफ कैराबेली होता क्या है, जैसे ये अगर हम टीथ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हो गया रूट वाला पार्ट, ये डाउन पार्ट हो गया और ये टीथ का अपर पार्ट है, ठीक है, उल्टा बनाया मैंने। अब कस्प ऑफ कैराबेली में होता क्या है, इस तरीके से थोड़ा सा आपको अपलिफ्टेड पार्ट देखने को मिलता है, इस तरीके से अपलिफ्टेड पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं कैराबेली कप, इसको बोलेंगे हम कैराबेली कप। तो आपको इस तरीके का कप जो है वो किस में देखने को मिलता है, कौन से टीथ में, तो इसका आंसर है ट्राइकस्पिड्स। जो ट्राइकस्पिड्स होते हैं उनमें आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, यानी कि परमानेंट मोलर्स या मैक्सिलरी, सेकेंड डेसीडियस मोलर्स जो होते हैं उनमें आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आ जाओ एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन, एबीओ ग्रुपिंग किस पे बेस्ड होती है, रेड सेल सरफेस एंटीजन, प्लाज्मा प्रोटीन, रेड सेल एंजाइम या न्यूक्लियर क्रोमेटिन। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किस में प्रेजेंट होती है, तो भाई रेड सेल सरफेस एंटीजन से प्रेजेंट होती है ना, ये आपने पढ़ा होगा, ये RBC है, इसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हीं के बेसिस पे होती है आपकी ब्लड ग्रुपिंग। नेक्स्ट आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन इन एन एडल्ट। एडल्ट में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 208, 308, 408, 508। भाई ये बिल्कुल गलत करके मत आ जाना कि बोन्स ही ना पता हो आपके बॉडी में कितनी बोन्स हैं। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, जो भी बच्चे होते हैं उनमें बोन्स होती हैं 300, ठीक है, बाद में जैसे जैसे वो ग्रो करता है उनमें बोन हो जाती हैं 206। एडल्ट के अंदर जो बोन होती हैं ह्यूमन स्केलेटन में वो 206 बोन्स होती हैं। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि 206 का ऑप्शन हो, तो इसलिए 208 लगा देना, पर 208 बोन्स नहीं होती हैं, 206 बोन्स होती हैं एक ह्यूमन स्केलेटन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हैंडराइटिंग कंपैरिजन द क्रॉसिंग इन टी एंड द डॉट इन आई एंड जे आर नोन एज। जो टी में ये लगाते हैं ऐसा क्रॉस, ये आई का डॉट और जे का डॉट, इनका जो आप कंपैरिजन करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव साइंस, डायएक्रिलेटिक साइन, लूप साइन या शोल्डर साइन, इसको हम बोलते हैं शोल्डर साइन।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज अफेक्ट हैंडराइटिंग? हैंडराइटिंग कौन सी ऐसी डिसीज है जिससे हैंडराइटिंग अफेक्ट होगी? क्रॉनिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक मलेरिया, पार्किंसोनिज्म या थैलेसीमिया? तो इसका आंसर होगा पार्किंसोनिज्म, ये जो डिसीज है ये इसको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ फॉर्जरी। फॉर्जरी का साइन कौन सा है? रीटचिंग, कनेक्टिंग स्ट्रोक, पेन लिफ्ट या ऑल ऑफ द अबव? तो देखो ऑल ऑफ द अबव, फॉर्जरी के साइन ये चारों ही, तीनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट, इन व्हीकल एक्सीडेंट टायर मार्क्स ऑन बॉडी इज सजेस्टिव ऑफ? टायर मार्क्स, बॉडी में अगर टायर मार्क्स है तो उससे आपको क्या पता चल रहा है? रन ओवर, प्राइमरी इम्पैक्ट, सेकेंडरी इम्पैक्ट या टर्शरी इम्पैक्ट? अगर बॉडी के ऊपर टायर मार्क है तो यानी उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, तो रन ओवर ही होगा। नेक्स्ट, मैचिंग द फॉलोइंग इन केस ऑफ डिसफरिंग ऑफ सिगरेट राइटिंग? सोप, मिल्क, सोडियम क्लोराइड या सोडियम थायोसिनेट? तो इन सब में आपको बताना है कि सीक्रेट राइटिंग का पता आप कैसे कर सकते हो। तो सोप, देखो कभी आपने सीक्रेट राइटिंग का एक्सपेरिमेंट करा है? ये बहुत सिंपल सा है। मिल्क लेना, ठीक है, एक कॉटन लेना और उसको, या जो बोलते हैं क्या बोलते हैं वो, ईयरबड, ठीक है, एक ईयरबड लेना। अब ईयरबड को मिल्क में डिप करके एक ब्लैंक पेज पर लिख लेना, ठीक है, ब्लैंक पेज पर कुछ भी लिख देना। अब जो कुछ भी आपने लिखा है, ये तो इसको ड्राई करना, ये ड्राई हो जाएगा अपने आप तो पेपर खाली दिखने लगेगा। अब क्या करना है, इसको हीट कर देना, बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको हीट कर देना, तो इस पेपर पे जो आपने लिखा था मिल्क से वो आपको विजिबल हो जाएगा। तो देखो मिल्क का तो आंसर आपको समझ में आ गया है कि हीट होगा, ठीक है। ऐसे सोप का जो है वो वाटर होगा। फिर सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो वो होगा सिल्वर नाइट्रेट, और पोटेशियम थायोसाइनेट इसका होगा आपका फेरिक कंपाउंड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आप और भी कर सकते हो, जैसे आप जो है अनियन जो है उसका आप जूस निकाल लो, अनियन जूस से कर सकते हो, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, वो आप उनसे सीक्रेट राइटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज अ सूटेबल मटेरियल फॉर कास्टिंग ऑफ टूल मार्क्स। टूल मार्क्स की कास्टिंग के लिए कौन सा सबसे सूटेबल मटेरियल है? वैक्स, प्लास्टिसिन, वुड मेटल या फैक्स फिल्म? इनमें से कौन सा जो है सबसे सूटेबल है? तो सबसे सूटेबल वुड्स मेटल और फैक्स फिल्म है, मतलब सी और डी का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, पायरोलाइसिस गैस क्रोमेटोग्राफी इज यूजफुल टेक्निक फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग पेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पिगमेंट, बाइंडर, लेकर या फिर सॉल्वेंट? तो बाइंडर्स जो हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा करेक्टरिस्टिक होते हैं पेंट में, पेंट में बाइंडर्स डाले जाते हैं तो वो मेन कॉम्पोनेंट होते हैं। नेक्स्ट, रेडियल फ्रैक्चर्स ऑन ग्लास सरफेस स्टार्ट्स ऑन? रेडियल फ्रैक्चर्स जो ग्लास में आते हैं वो कहा क्यों आते, किसकी वजह से? साइड ऑफ इम्पैक्ट, अपोजिट साइड ऑफ इम्पैक्ट, कहाँ पे देखेंगे आपको ये बताना है, एज ऑफ ग्लास या कॉर्नर्स ऑफ द ग्लास? तो रेडियल फ्रैक्चर, पहले तो फ्रैक्चर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना कि क्या होते हैं। जब हम रेडियल फ्रैक्चर्स की बात करते हैं तो रेडियल फ्रैक्चर्स आर द फ्रैक्चर्स एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। मतलब कि कैसा होगा ये रेडियल फ्रैक्चर का, अगर मैं आपको डायग्राम बताऊँ तो ये हमेशा आउटवर्ड बाहर की तरफ ही, इम्पैक्ट के बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये अगर ये पॉइंट है, यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है, इस पॉइंट पर इम्पैक्ट पड़ा है, तो ये ऐसे बाहर की तरफ आपको ये होगा रेडियल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से ये होता है, इस तरीके का जो है वो रेडियल फ्रैक्चर कहलाता है। क्लियर है बात? तो आंसर क्या होगा इसका, रेडियल फ्रैक्चर का अपोजिट साइड ऑफ इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट यहाँ पड़ा था, ये इसके अपोजिट साइड जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डेविडसन्स बॉडी इज प्रेजेंट इन, डेविडसन्स बॉडी कहाँ पे है? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या मोनोसाइट? तो ये न्यूट्रोफिल में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोवल शेप्ड इंसिजर्स आर फाउंड अमंग। शोवल शेप्ड इंसिजर्स किस में मिलते हैं? मंगोलॉइड्स, नीग्रोइड्स, एब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस या एस्किमोज में? तो ये मिलते हैं मंगोलॉइड्स में। नेक्स्ट, बोइट्स फॉर्मूला हेल्प टू डिटरमाइन, बोइट्स का जो फॉर्मूला है वो क्या डिटरमिनेशन में हेल्प करेगा? एज, सेक्स, स्टेचर या फिर आपका रेस? तो ये एज के लिए यूज होता है।
नेक्स्ट 89, द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एंटी मॉर्टम बर्न्स, चेरी रेड कलर ऑफ ब्लड, शूट सूट इन एयरवे, ब्लिस्टर्स ओवर स्किन, इन्फ्लेमेशन ऑन स्किन। तो ये बोल रहे हैं कि एंटी मॉर्टम बर्न्स का कौन सा फीचर नहीं है, तो ब्लिस्टर इसका जो है नहीं देखने को मिलते हैं एंटी मॉर्टम बर्न्स में। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर ऑफ स्कल आर फर्स्ट टू फ्यूज। स्कल में सूचर्स होते हैं, अगर आपने स्कल का डायग्राम देखा हो तो इस तरीके के सूचर्स आपको जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना, इस तरीके के जो सूचर्स हैं वो आप देख सकते हो। तो ये जो सूचर्स हैं इनमें सबसे पहले फ्यूज कौन सा होता है, कोरोनल, फ्रंटल, सजाइटल या लिम्बोइडल। तो जो फ्रंटल सूचर है वो सबसे पहले फ्यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ पोरोस्कोपी वॉज गिवन बाय। पोरोस्कोपी, पोरोस्कोपी क्या है, जो आपके फिंगर्स होते हैं ना, फिंगर्स में जो हमारे रिजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये रिजेस किससे बने होते हैं, ये रिजेस बनते हैं पोर्स से। तो इन पोर्स की जो स्टडी की जाती है इसको हम बोलते हैं पोरोस्कोपी। रिजेस का जो रिजेस होते हैं, रिजेस क्या होते हैं, ये जो आपको दरारें दिखती ना, जिन्हें बोल सकते हैं हम लेमन लैंग्वेज में, ये रिजेस पोर्स के फॉर्म में रहते हैं। और इन पोर्स में क्या होता है, ये पोर्स जो है ये स्वेट ग्लैंड्स हैं, इसलिए जो हमारे हाथ में है जो स्वेट रिलीज होता रहता है पोर्स की वजह से। तो इन पोर्स की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम पोरोस्कोपी बोलते हैं। तो ये पोरोस्कोपी जो है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर, बुराड, एडमंड लोकार्ड या हैंस ग्रॉस, ये दिया था एडमंड लोकार्ड ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और इन्हीं को हम फ्रिक्शनल रिजेस बोलते हैं। अगर हमारे हाथ में ये रिजेस प्रेजेंट नहीं होते तो हम कोई भी चीज़ होल्ड नहीं कर पाते, एकदम हमारे हाथ जो है एकदम स्मूथ होते, एकदम इतने चिकने हो जाए, कोई भी चीज़ हमारे हाथ पे रुकती ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ सेल्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस इज कॉल्ड। सेल्स की जो लेयर होती है एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनीशिया, डर्मल पेपिलिया, स्वेट पोर्स या फ्रिक्शनल रिजेस। तो देखो, मिनीशिया जो होते हैं वो रिज पैटर्न को बोलते हैं, ये होते हैं रिज पैटर्न। तो इसमें तो वो पूछ रहे हैं कि भाई हम जो है इन सेल्स को क्या बोलते हैं। स्वेट पोर्स मैंने वही बताया आपको, जो रिजेस हैं उनमें पोर्स होते हैं उन्हें हम स्वेट पोर बोल रहे हैं। फ्रिक्शनल रिजेस तो आपको पता ही है, ये है फ्रिक्शनल रिजेस, वही चीज दी हुई है। तो इन तीनों में तीनों नहीं हो सकते, आंसर क्या होगा, डर्मल पैपिले। क्वेश्चन नंबर 93, सेलाइलेशन इज यूज्ड इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमीटर, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर। आंसर होगा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। 94, द इमेज सीन थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आपको कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल, रियल, फॉल्स या इमेजनरी। वो मिलती है आपको वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। NMR is a tool to investigate. NMR पे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसने बोला था स्पिन जो है टेक्निक वो किस में यूज़ की जाती है। तो एक और दूसरा क्वेश्चन देखने मिल रहा है, NMR जो है टूल वो किस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होता है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ लाइट या रिफ्लेक्टिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। आंसर है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है, आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। MCT डिटेक्टर इज used in, MCT detector किस में यूज होता है, FTIR, AAS, GCMS या LCMS। तो ये यूज होता है FTIR। Next, in SAM, the incident beam is focused by means of, SAM में जो incident beam है वो focused किस means से होती है, lens, mirror, electromagnets या फिर slit। तो जो SAM होता है, SAM क्या है, scanning electron microscope। स्कैनिंग दो होते हैं, एक टैम होता है एक सैम होता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं सैम की बात कर रहे हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो उसमें बीम कैसे फोकस होती है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन व्यू अ पार्टिकल अंडर अ माइक्रोस्कोप व्हाइल एट द सेम टाइम अ बीम ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड एट द पार्टिकल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वो किसमें होता है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, XRF स्पेक्ट्रोग्राफ, माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमीटर या XRD स्पेक्ट्रोग्राफ। ये होता है माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, निनहाइड्रिन, ओके,
फिंगरप्रिंट का है. निनहाइड्रिन रिएक्ट विद अमीनो एसिड प्रेजेंट इन फिंगरप्रिंट. जब हम फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट टेक्निक पढ़ते हैं तो उसमें आती है कि निनहाइड्रिन टेक्निक. इसमें निनहाइड्रिन रिएक्ट विद अमीनो एसिड प्रेजेंट इन फिंगरप्रिंट टू फॉर्म अ कलर्ड कंपाउंड इज कॉल्ड एज. कौन सा कलर्ड कंपाउंड बनाता है? डायल मिथाइल फॉर्माइड परवेंडिल या वेनेडिल या रोहिमिन्स पर्पल. भाई क्या बनाता है रिएक्ट करने के बाद में तो पर्पल कलर देखने मिलता है. रोहिमिन्स पर्पल इज द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन इज ओटोलिडीन इज 3,3 डाइमिथाइल डेरिवेटिव ऑफ फिनोफ्थलीन बेंजीडीन सोडियम एसीटेट या सोडियम क्लोराइड. तो ये सोडियम क्लोराइड का डेरिवेटिव होता है. तो हमने पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए. जितने मैं एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने एक्सप्लेन कर दिए. अब ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस थे. इस वाले लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस करे हैं वो कहीं ना कहीं टफ थे. स्टार्टिंग में काफ़ी इजी इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे. इसमें जो पूछे गए हैं आज के मैं जो मेन टॉपिक्स फोकस करे हैं वो है बैलिस्टिक्स. बैलिस्टिक्स के बाद में इसमें फिंगरप्रिंट भी काफ़ी क्वेश्चंस थे. फिंगरप्रिंट के साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे देखा गया. तो ये टॉपिक्स भी आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे. तो इन पे थोड़ा अच्छे से जो है पढ़ लेना एक बार. सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे होंगे. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना. अब हम मिलेंगे कल अगले जो है क्वेश्चंस के साथ में, अगले पेपर के साथ में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.